हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल कुमार रॉय है। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है आर्ट एनिमेशन में क्या रोल प्ले करता है। आर्ट के बारे में और एनिमेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो का आप अंतिम तक देखिए। आर्ट क्या है? एक्चुअली हम किसी अगर स्टूडेंट से पूछते हैं जो आर्ट क्या है, वो ड्राइंग और स्केचिंग के अलावा उसे कुछ नहीं पता होता है। आर्ट का जो ओरिजिनल डेफिनेशन होता है वो है अपने मन के भावनाओं को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना। हम देखना चाहते हैं जो आर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आर्ट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला विजुअल आर्ट या फाइन आर्ट, सेकेंड में आपका आता है परफॉर्मिंग आर्ट, थर्ड में आता है आपका लिटरेचर आर्ट। तो फाइन आर्ट के अंदर आपका क्या क्या चीज़ें आते हैं? जैसे फाइन आर्ट के अंदर आपका पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ग्राफिक, अप्लाइड आर्ट, फोटोग्राफी आता है। और परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आपका क्या क्या आता है? सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग। और लिटरेचर आर्ट के अंदर आपका क्या क्या चीज़ आता है? जो आपका मेन है आपका साहित्य, उसके बाद नोवेल, उसके बाद आपका हिस्ट्री। एनिमेशन में क्या काम में आता है इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। जैसे पेंटिंग, पेंटिंग हमारा एनिमेशन में क्या काम में आता है? जब हम कोई स्केच बनाता है, कोई बैकग्राउंड ड्रॉ करते हैं, तो उसमें कलर का बहुत इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कलरिंग करते हैं तो हमें लाइट एंड शेड का पता चलता है, हमें डेप्थ का पता चलता है, हमें डिस्टेंस का पता चलता है, तो वहाँ पर हमें पेंटिंग बहुत हेल्प करता है। स्कल्पटिंग की बात किया जाए तो जब हम स्कल्पटिंग मिट्टी से जब तक हम कोई चीज़ को क्रिएट नहीं करेंगे, उसका 3 डायमेंशन हमें पता नहीं चलेगा, तो हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे करने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए स्कल्पटिंग हमें सॉफ्टवेयर में स्कल्पटिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है ग्राफिक। ग्राफिक एक होता है प्रिंट मीडिया, आप देखे होंगे न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, वहाँ पर हमें ग्राफिक हेल्प करता है। उसके बाद आपका आता है अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट मतलब कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इतने बड़े बड़े डिज़ाइनिंग, होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स, जो भी सब बनते हैं ये सारे डिज़ाइनर बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारे अप्लाइड आर्ट काम करता है। हमारा लास्ट जो आता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी भी एनिमेशन का एक अहम पार्ट है। हम जब कोई शूट करते हैं तो हम उसको फ्रेम में देखते हैं, वो हमें विजुअली कैसे दिखे। फाइन आर्ट के बाद अभी आता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में आपका सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग ये सब होता है। तो ये हमारे एनिमेशन में क्या काम में आता है? जैसे हम कोई एनिमेटेड मूवी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो वहाँ पे एक्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे हम कैरेक्टर को कैसे एक्ट करवा सकते हैं, हम कैरेक्टर को कैसे गाना गवा सकते हैं, हम कैरेक्टर को कैसे डांस करवा सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है लिटरेचर आर्ट, जो एनिमेशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिसमें आपका साहित्य, आपका नोवेल, आपका हिस्ट्री रहता है। जब तक आपके पास एक बहुत अच्छा स्टोरी नहीं होगा तो आप एक अच्छा एनिमेशन मूवी बना नहीं सकते। ये थी कुछ जानकारी आर्ट और एनिमेशन के बारे में। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन से। थैंक यू।